18 जुलाई को नवजोत सिंह सिद्धू के नाम का ऐलान कांग्रेस आलाकमान ने किया। ऐलान से पहले कैप्टन और सिद्धू की पेशी दिल्ली में हुई थी। सिद्धू के नाम का ऐलान होने से पहले कैप्टन ने आलाकमान से विरोध भी जताया था। वही नाम के ऐलान के बाद सिद्धू को बधाई देने से पहले उन्होंने माफी की भी शर्त रखी। लेकिन बीते 24 घंटे में कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्रोध शांत हो गया। तो क्या सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन काम आ गया? सिद्धू ने गोल्डन टेंपल में 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों की अपने पक्ष में परेड करवाई थी और कैप्टन को भेजे न्योते में 58 विधायकों के दस्तखत थे। सिद्धू ने कैप्टन के नाम भेजे न्योते में क्या लिखा था ये भी सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सर, जैसा आपको अवगत है, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और संगत सिंह गिलजिया, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम सभी मंत्री, एमएलए और संगठन के लोग आपसे संयुक्त अनुरोध करते हैं कि आप नई टीम को आकर आशीर्वाद दें कार्यभार संभालने के दौरान कांग्रेस भवन में 23 जुलाई को सुबह 11 बजे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ सबके रिश्ते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस पार्टी के हाई कमान हैं और उनका वहां पहुंचना बहुत जरूरी था और वो पहुंच रहे हैं। और क्योंकि उनकी अध्यक्षता में, उनकी छत्र साया में पंजाब की कांग्रेस पार्टी है और पंजाब की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो नवजोत सिंह सिद्धू बने हैं और 4 वर्किंग प्रधान बने हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री जी अवश्य वहां जाएंगे। इस न्योते में 58 विधायकों के समर्थन का मतलब बड़ा है। दरअसल बीते 2 साल से कैप्टन और सिद्धू के बीच शीत युद्ध की खबरें आ रही थी। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल किसी भी फॉर्म में, और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूँ। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, सो मुझे तो इसके साथ कोई, आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रॉबली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी। ये बात पुरानी है, अब रिश्तों की नई कहानी है, क्योंकि कैप्टन के न्योता कबूल करने के बाद तस्वीर साफ हो गई है कि दोनों नेता सीज फायर को तैयार हैं। मनाने नहीं गया था, मैं इनवाइट करने गया था। हमारे बहुत ही सत्कारयोग्य मुख्यमंत्री हैं, मनाने की उनको जरूरत नहीं है। वो तो मतलब हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको मनाने की जरूरत नहीं होती है, उसको सबका खुद ही ध्यान रखना होता है और उन्होंने तो आगे डायरेक्शंस देनी होती है। कैप्टन ने न्योता कबूल करते ही सिद्धू की ताजपोशी से पहले पार्टी के विधायकों, सांसदों और सीनियर नेताओं को सुबह 10 बजे चाय पर बुलाया। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट कर कहा, सीएम अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी कांग्रेस विधायकों, सांसदों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शुक्रवार सुबह 10 बजे चाय के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद वो सभी नई पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम की स्थापना के लिए पंजाब कांग्रेस भवन जाएंगे। बिल्कुल, सभी लोग पहुंच रहे हैं, वो तो जो हाईकमांड ने फैसला किया है उसका हम स्वागत भी करते हैं और सभी लोग वहां उस ताजपोशी में पहुंचेंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने अपना काम संभालना है कल से, तो सब लोग पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता से लेकर सभी सीनियर लीडर। तो क्या दिल्ली में जो सांसद हैं वो लोग भी जा रहे हैं? बिल्कुल, सब जाएंगे, दिल्ली के सांसद भी जाएंगे और नीचे छोटे छोटा लीडर भी, बड़े से बड़ा लीडर सब पहुंचेंगे। अमरिंदर सिंह ने संकेत दे दिए हैं कि अब सिद्धू के साथ उनके रिश्तों का नया दौर शुरू होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने रूठे हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने के लिए अपने हाथ से साइन किया हुआ इनविटेशन लेटर अपने कार्यकारी अध्यक्षों के माध्यम से भिजवा दिया है और कहा यह भी जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मान गए हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यही नहीं, 10 बजे पंजाब भवन में कैप्टन अमरिंदर सिंह तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ शिरकत भी करेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अध्यक्ष बनने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में जो जिरह हुई थी, वाद विवाद हुआ था और दोनों के बीच में जो मनभेद था, क्या वो अब खत्म हो जाएगा और क्या हाथ मिलाने से दोनों के दिल भी मिल जाएंगे? कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सतेंद्र चौहान, मोहाली, आज तक।